بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया है अल्लाह ताला हमारे मदीर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद हुजैफ़ा इबन गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब को जजाय खैरता फरमाए आज के इस दरस में तर्जुम कुरान पारा एकता दस मबादियात तर्जु क़ुरान पेश किए जा रहे हैं लिहाजा आइए तरजम कुरान से मुतिक चंद इब्तदाई बातें जिनमें कुरान करीम के नाम वाह्य की लघवी और असलाही तारीफ़ वाह्य की अकसाम शान नज़ुल नज़ुल क़ुरान मजीद के तरीक़े और कुछ दूसरी चीज़ें बयान की जाएगी आप तलब अज़ीज़ इस दरस को और इन मबादियात को ब़ौर सुने और साथ ही साथ अपनी कापी में इसे लिखने की भी कोशिश करें ताकि मदारिस में आने के बाद आपके लिए इन चीज़ों को सुनाना और इनकी तकरार करना आसान हो। सबसे पहले क़ुरान करीम के चंद नामों के मुतालिक हम सुनते हैं कुरान करीम के ज़ाती नाम पांच हैं पहला नाम है क़ुरान दूसरा नाम है फुर्क़ान तीसरा नाम है तंज़ील चौथा नाम है ज़िक्र और पांचवा नाम है किताब इन पांचों नामों का तस्करा अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़दस में मुख्तलफ़ आयात में इरशाद फरमाया है लफ्ज़ क़ुरान को तो आप बहुत सारी आयतों में देखते रहते हैं जैसे कि अभी जो आयत पढ़ी गई उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून दूसरा नाम कुरान मजीद का फुरकान फुरकान नाम भी कुरान पाक में आया है अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान की इब्तदाई आयत में फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही نذيرا. तीसरा नाम कुरान मजीद का तंजील तंजील का लफ्ज भी आया है कुरान पाक में व इन नहूल तंजील उबिल आलमीन तंजील उम्मी हकीम इन हमीद और भी दूसरी जगह में चौथा नाम है जिक्र कुरान करीम का चौथा नाम जिक्र अल्लाह तला ने इरशाद फरमाया इशाद फरमायान्ना नहन जिक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून जिक्र का लफ्ज इस आयत पाक में आया है कि हमने नसीहत नामा यानी कुरान मजीद को उतारा और हम ही उसके मुहाफिज हैं पांचवा नाम आया है किताब किताब भी कुरान पाक की आयत में आया है ज़ालिकल किताबु ला लारई बफी यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं तो ये कुरान पाक के पांच जाति नाम हुए इन पांचों नाम के बाद अब आइए कुरान पाक के लघवी और असलाही माना को हम जानते हैं कुरान जमहूरमा के लफ्ज़ कुरान के मुश्तक मनहू और उसके लघोवी माना में दो कौल हैं पहला कौल क़ुराना यकीनु से मुश्तक है कर्न यकनू का माना है मिलना मुत्तसिल होना मरबूत होना इस माना के एतबार से कुरान को क़ुरान इसलिए कहा जाता है कि क़ुरान के मजामीन क़ुरान की सूरते क़र्न की आयतें एक दूसरे से मिली हुई है मुतसिल है और मरबूत है इसलिए इस माना के अतबार से कुरआन कहा जाता है दूसरा लफ्ज कुरआन मुश्तक है करा यऊ से करा या कराऊ का माना तो आप तलबा जानते ही है करा या कर का माना है पढ़ना इस माना के अतबार से कुरान को कुरान इसलिए कहते हैं कि क़ुरान ये अल्लाह की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है तो ये दो माना और उनके मुस्तकम हूँ उलमा ने बयान फरमाए अब हम क़ुरान की अतलाही तारीफ़ देखते हैं कुरान की अतलाही तारीफ़ है अलकलामन على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة فرسيك مرتبة تعريف الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة के कुरान अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब है और क़ुरान जो मसाहिफ यानी क़ुर्रा सबआ के मसाहिफ में लिखा हुआ है और ये क़ुरान नकल मुतवातिर के साथ बिलाशुबा हम तक पहुँचा है पाक की अतलाही तारीफ अब हम जानते हैं वाह्य से मुक चंद बातें। लफज वही के लोगी माना और वही की अतलाही तारीफ वाह्य के लोग माना दो बतलाए जाते हैं पहला माना है अल अलशा और वाह का पहला इस्तेलाही माना अल इशारात बिस जल्दी से इशारा करना कुरान पाक में आया है फओ्हा बुक आशिया और दूसरा माना वाह्य का लोगवी माना अल खफिया के मख़फ़ी और पोशीदा तरीके से इशारा ये दो माना वाह्य के लोगवी माना आते हैं वाह की असलाही तारीफ वाह की अतलाही तारीफ है कलाम उलमुन या अलकलामुनजलु अला नबी यमिन अम्बिया ईही अलकलामुनजलो अला नबी यमिन अम्बियाई ईही अल्लाह के पैगम्बरों में से अल्लाह के नबियो में से किसी नबी पर अल्लाह का नाजिल करदा कलाम वाह की तारीफ। अब हम वाह की लघवी और असला तारीफ के बाद वही के छः तरीके जानते हैं वही के छः तरीके हैं पहला तरीका है सलसलतुलजरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन छः तरीकों से वही नाजिल होती थी अल्लाह का कलाम नाजिल होता था पहला तरीका है जरस घंटी के बजने जैसी आवाज यानी जब कुरान मजीद नाजिल होता था तो घंटी के बजने जैसी आवाज आती और यह आवाज खुद अल्लाह ताला की होती थी इसको कहते हैं जरस दूसरा तरीका है वह का तमसल मलक तमसुल मलक यानी फरिश्ते का किसी इंसानी शक्ल में आकर अल्लाह का कलाम पहुंचाना आम तौर पर हजरत जबरी हजरत दहिया कल भी रजी अल्लाह की शक्लो सूरत में आते थे तीसरा तरीका है वाह का कलाम -ए इलाही कलाम यानी अल्लाह ताला खुद अपने नबी से हम कलाम हुए अल्लाह ताला खुद अपने नबी से हम कलाम हुए और अपना कलाम सुनाया चौथा तरीका है व्य का हजरत अलैहिस्सलाम का अपनी असल शक्ल में आना अल्लाह का कलाम पहुंचाना हजरत अलैहिस्सलाम के मुल रिवायतों में हैं कि तकरीबन तीन मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जबरी को उनकी असल शक्ल में देखा है एक मरतबा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना जाहिर की थी दूसरी मरतबा मकाम अजियात पर और तीसरी मरतबा शब में इराज में ये चौथा तरीका पांचवा तरीका है नफस फिर रॉ नफस फिर रो के अलैहिस्सलाम सामने आए बगैर असल शक्ल में आए बगैर अल्लाह का कलाम दिल में डाल देते नफस फिर रॉ हदीस बात में है इन नजबरीला नफस रोई और छठा तरीका है वाह का रुआ सादिका यानी इब्तदाई नबूवत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के इब्तदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते थे और बेदारी में फिर वैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पाते थे सच्चे ख्वाब ये भी वही का एक तरीका है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से वो रिवायत है इन अव्वल मा बुदी अबिही अल वही अर रुया अस सादिका तो ये वही के छः तरीके जरस तमसल मलक कलाम इलाही नफस फिर रो रोया और हज़रत जिब्रील का अपनी असल शक्ल में आना वही के इन तरीकों को जानने के बाद अब हम दो तीन मुख्तसर बातें सुनकर अपना आज का दर्श खत्म करते हैं पहली बात नजूर कुरान के तीन तरीके कुरान करीम तीन तरीके से तीन मरतबा गोया के नाजिल हुआ है पहली मरतबा अल्लाह ताला की जात से लोहे महफूज में अल्लाह ताला की जात से लोहे महफूज में दूसरे नंबर पर लोह महफूज से इज्जत में लोहे महफूज से इज्जत में और तीसरे नंबर पर इज्जत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीब नाजिल हुआ है शान नजूल के बारे में हम मुख्तसर जान लेते हैं शान नजूल की भी तारीफ जो मशहूर है वो ये कि आप वसल्लम के जमाने में कोई वाकया कोई हादसा पेश आया या किसी सवाल करने वाले ने किसी साहिल ने किसी चीज के मुतालिक सवाल किया तो इसके पस मंजर में जो आयात या जो सूरतें नाजिल हुई उसको कहते हैं सबब नजूल या शान नजूल एक और बात मक्की और मदनी सूरतें मक्की मदनी सूरते मक्की सूरते कौन हैं मदनी सूरतें कौन हैं इसके बारे में भी हमारे के मुतद अकवाल हैं बहुत सारे अकवाल हैं उनमें मशहूर कौल ये है कि मक्की सूरतें वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल हुई वो मक्की और हिजरत के बाद जो सूरत नाजिल हुई वो मदनी मक्की और मदनी सूरतें तर्जुम कुरान हम पढ़ेंगे तर्जुम कुरान से मुतिक और भी चीजें आएगी अब हम आखिरी के तराजिमे कुरान कुरान के तर्जमे कौन कौन से हैं क्या क्या उनके नाम हैं बस दो चार तराज़ी में कुरान हम जानकर अपना दर्स ख़त्म करेंगे फारसी अंग्रेज़ी और भी बहुत सारी ज़बानों में कुरान के तर्जमे हुए हैं गोया दुनिया की तकरीबन जबानों में कुरान के तर्जुमे किए गए हैं लेकिन उर्दू ज़बान हमारी है तो उर्दू ज़बान में तर्जुमे तराजम कुरान नंबर एक शाह अब्दुल्का रहमत लाई का तर्जमा नंबर दो शाह रफीउद्दीन रहमत आल का तर्जुमा तर्जम क़ुरान इसी तरह मौलाना आशिक इलाही मेरठी रहमतल्ला तर्जम कुरान इसी तरह मौलाना अब्दुल सलाम रहामत लाई का तर्जुम कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी का तर्जुम क़ुरान और इसी तरह बहुत सारे तराजम कुरान उर्दू ज़बान में मौजूद है हम कोशिश करेंगे कि आइंदा दरस में आसान और सलीस तरीक़े पर तर्जम कुरान पढ़े और उसके मुतालिक जो भी बातें आए उस पर अमल करें और उन्हें अभी से याद करने की फ़िक्र करें सुबहान अल्लाहमदी सुबहान अल्ला लाज़ीम